नेक्स्ट वीक एनएक्सटी में कई बड़े स्टार नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट वीक जॉन सिना एनएक्सटी में नजर आने वाले हैं, साथ ही कोडी रोड्स भी नजर आने वाले हैं। कोडी रोड्स कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक एनएक्सटी में पॉल हेमन भी नजर आने वाले हैं, साथ ही आस्का भी नजर आएगी। उनका रॉक्सेन पेरेस के साथ मैच होने वाला है। अगले हफ्ते ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस कार्मेलो हेस का मैच होने वाला है। इस मैच के दौरान कार्मेलो हेस के कॉर्नर में जॉन सिना होंगे और ब्रॉन ब्रेकर के कॉर्नर में पॉल हेमन होंगे। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेक्स्ट वीक एनएक्सटी के लिए कई बड़े स्टार्स को क्यों एडवर्टाइज किया है? इसका कारण ये है कि नेक्स्ट वीक एडब्ल्यू में एज का डेब्यू मैच होने वाला है। इस वजह से अधिकतर फैंस एनएक्सटी के जगह डायनामाइट का एपिसोड देखना पसंद करेंगे। इससे एनएक्सटी को रेटिंग्स के मामले में काफ़ी नुकसान हो सकता है। शायद यही कारण है कि कंपनी ने नेक्स्ट वीक एनएक्सटी के लिए बड़े स्टार्स को एडवर्टाइज किया है, ताकि नेक्स्ट वीक एनएक्सटी की रेटिंग्स कम ना आए। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ओर। जेड कारगिल फास्ट लेन का हिस्सा बनने वाली है। पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेड कारगिल फास्ट लेन में नज़र आने वाली है। रिपोर्ट में ये भी कहा कि जेड कारगिल रॉ ब्रांड का हिस्सा बनने वाली है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ओर। जॉनी गार्गेनो ने इस हफ्ते रॉ में रिटर्न किया था। पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जॉनी गार्गेनो का इस हफ्ते रॉ में रिटर्न करना और टमासो चैम्पा के साथ रीयूनियन करना ये देर से लिया गया डिसीजन था। वीकेंड के अंत में प्लान्स लॉक कर दिए गए। जॉनी गार्गेनो रॉ के लिए ट्रैवल कर रहे थे और इसे छिपा कर रखा गया था। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक के ओर। रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट सामने आया है। जीरो न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के लिए प्लान्स बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि उनकी रिटर्न डेट अभी तक पता नहीं है, लेकिन कंपनी ने उनके रिटर्न के लिए प्लान्स बनाना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते देखने के लिए धन्यवाद।